Sir, I think negativity plays a very important role in our success. Overconfidence is a key of the failure. So I think negativity bhi hona chahiye apne andar ki hum log ko lage ki yeah, we can work more harder than we are doing. Very good thing, but lekin usse pehle ki hum dusre question par aaye, itna amendment karna chahunga. Aapki baat theek hai ki har cheez mein aap positivity hi rakhenge to aap overconfidence ho sakte hain. Overconfidence mein kahin aap ओवर कमिट कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है. तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आपको नेगेटिविटी की बजाय ये कहिए कि कॉशियसनेस रहना चाहिए. आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को ओवर कमिट ना करें. सर, जब आप डिसअपॉइंट होते हो तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या करते हो? नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हो? What is negativity? Basically, psychology में और psychiatrist जो हैं वो negativity को केवल एक हमारी tendency है ऐसा मानते हैं. हम लोग positive tendency से negative tendency, ये एक चीज़ है. इससे कोई बड़ी बात नहीं है. हम negativity के adverse result तो बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको ठीक ना किया जा सके ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी है ये इधर झुकने की, या अगर थोड़ा सा इधर झुकने के बजाय इधर झुकने लगो पॉजिटिविटी की तरफ तो वो टेंडेंसी बदल जाएगी. दूसरा प्रश्न उठता है कि क्यों, कैसे हम लोग नेगेटिविटी में आते हैं. ये दो तरह से, जैसे मैंने कहा आपको, या तीन तरह से ब्रदर ये कहूँगा, तीन तरह से हम नेगेटिविटी में आते हैं. एक, जन्म से हमारे अंदर होता है नेगेटिविटी, जो कि टैलेंट होता है हमारा, जिसको हमने पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट किया. कि आपके अंदर अगर जन्म से नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपके अंदर वो टैलेंट है. वन ऑफ द टैलेंट इज़ नेगेटिविटी, जिसको अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें तो उसको बड़े अच्छे रूप से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं. दूसरा कारण होता है कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया ज़िंदगी में, और ख़ासकर यंग एज में, कम एज में, उसकी छाप इतनी गहरी हमारे ऊपर पड़ती है, वो हमारी पूरी सोच बदल देती है. पूरी पॉजिटिविटी को एकदम नेगेटिव रूप में ले जाके हमको खड़ा कर देती है, और हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी, पूरी जो चीज़ जिसको लेके हम पैदा हुए थे, उसको पूरे को तोड़ मरोड़ देती. एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको. मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया, या उसने मेरे साथ काम किया, बात एक ही है. मैंने उसमें देखा कि वो हर पैसे वाले आदमी के ख़िलाफ़ था. आदमी जब भी उसको मौका मिलता था वो नेगेटिव बात उनके बारे में करता था, उनको हर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था. दूसरा, रिश्तों में उसका विश्वास नहीं रह गया था, किसी प्रकार के रिश्ते में उस आदमी का विश्वास नहीं था. बहुत सोचा, और बड़ा ब्रिलियंट आदमी, बिजनेस के अंदर बेस्ट, स्ट्रेटजी में बड़ा अच्छा, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा. तो उसको हमने किसी तरीके से उससे पूछा, क्यों हुआ ये? तो आपको भी सुन के हैरानगी होगी, जो मुझे भी हुई. जब बचपन में जब उसका जन्म हुआ उस आदमी का, तो उसका सबसे बड़ा भाई करीब 37 वर्ष का था जब उसका जन्म हुआ. उससे दूसरे नंबर छोटी बहन कोई 32-33 साल की थी. तीसरा एक भाई और था, वो भी करीब 28 साल का था. तो ये समझिए कि 28 वर्ष के बाद उसके यहाँ उसकी माँ ने उनको कंसीव किया और उसका जन्म हुआ. तो जहाँ वो चार पाँच वर्ष का हुआ, 6 वर्ष का हुआ, उसको सुनने को मिला बार बार उस परिवार में. क्या लगता है आपको क्या सुनने को मिला होगा? कि भैया तू तो बिना बुलाए आ गया,
आप सोचिए उस 5-6 वर्ष के बच्चे की साइकोलॉजिकल हालत क्या होगी। और रही सही कसर, वो कहता साहब हमारी एक दुकान होती थी जिस दुकान में मेरा बड़ा भाई संभालता था, तो जैसे मैं 10-12-15 वर्ष का हुआ तो उस बड़े भाई ने मुझे नौकरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार मेरे साथ किया। मुझे वो रोज़ हुक्का भरने को बोलते थे, पानी लाने को बोलते थे, मीन काम कराने को कहते थे। तो बोले मैं 18 वर्ष की उम्र में घर से भाग आया, भाग के आके कहीं पे नौकरी की, कुछ किया, पढ़ा लिखा, खुद आगे बढ़ा जिंदगी में, MBA तक किया, नौकरी करते करते MBA भी किया और लाइफ में बहुत आगे बढ़ा, लेकिन वो नेगेटिविटी उसका पीछा नहीं छोड़ी। तो ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभी होते हैं हमारे साथ जो हमको पूरा रुख हमारा बदल देते हैं। किसी इंसिडेंट्स की वजह से आपके साथ हुई घटना घटी, उसकी वजह से आपका सोच बदली, उसको थोड़े अच्छे लोगों की संगत, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते सत्संग, अच्छे लोगों का साथ अगर लें तो उससे ठीक किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के कारण क्यों नेगेटिविटी आती है हम में, हम ज़्यादा, बहुत से लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, हम यहाँ 100 लोग बैठे हैं, हम में से 20-30-40 लोगों की टेंडेंसी नेगेटिविटी की तरफ होगी। अब उस व्यक्ति के साथ, उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप समय गुजारेंगे, नेगेटिव सोच के आदमी के साथ या औरत के साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगे और वो आपसे थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग पावर रखते हो, तो धीरे धीरे मैं आपको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये 3 प्रकार से नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस। अब ये है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पर, वो तो हम लगभग सब जानते हैं कि नेगेटिव सोच के माने इट इज़ एंटी सक्सेस। आपकी रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं रह सकती किसी के साथ, चाहे अपने माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे और रिलेशनशिप हो, वो अगर नेगेटिविटी रहेगी तो आप अपने फ्रेंड के बारे में, अपने भाई के बारे में, सबके बारे में आपकी उसकी कमियाँ ज़रूर देखेंगे, पॉजिटिविटी बाद में देखेंगे। तो जब नेगेटिविटी होगी तो रिलेशनशिप ठीक नहीं रह सकती।